यकीन मानो कि जो आप दूध में कॉफी डाल के बनाते होगे उसमें इसमें बहुत फर्क है। आपने अपने घर में जो कॉफी बनाई होगी उसमें कभी पानी ऐड नहीं किया होगा, इसमें बहुत सारा पानी ऐड हो जाता है। तो एक इसका ये डिसएडवांटेज मुझे लगता है, बट शायद नहीं भी है, क्योंकि जो कॉफी की रिचनेस निकल के आती है ना वो बहुत फ्लेवर बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि पहली बार अगर आपने कॉफी मशीन का यूज करना है तो क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख मेरा YouTube का चैनल टेक YouTube। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मर्फी रिचर्ड की न्यू एरोपा 800 वॉट कॉफी मशीन के बारे में पूरा डिटेल रिव्यू बताने वाला हूं और हाउ टू यूज फर्स्ट टाइम। पहली बार अगर आप कॉफी मशीन खरीद रहे हो और आप उसका यूज करना चाहते हो तो कैसे उसको प्रॉपर तरीके से यूज करोगे, इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों ऑलरेडी YouTube पर इसकी बहुत सारी वीडियो हैं, बट उन वीडियो में आपने गौर किया होगा जितनी भी कॉफी मशीन पर वो कॉफी बनाते हैं या तो कभी मिल्क फ्रॉथ करके बाहर आ जाता है या मशीन के ऊपर बहुत सारे कॉफी के छींटे पड़ जाते हैं। कैसे उसको प्रॉपर मशीन को यूज किया जाता है ताकि आपकी मशीन जो लंबे समय तक टिकाऊ रहे, आपका लंबे समय तक साथ निभाए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो नीचे लाल रंग का चैनल का सब्सक्राइब बटन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे मिक्स कंटेंट बनाता रहता हूं, हो सकता है कि कोई एक आध वीडियो जो आपके कभी काम आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि चैनल पे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी नोटिफिकेशन से तय कर लो कि आपको वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे तो दोस्तों यूट्यूब पर इसकी बहुत सारे वीडियो है, हालांकि कॉफ़ी जो है थोड़ा महंगी पड़ती है इसलिए कॉफ़ी के ऊपर में बहुत कम वीडियो है। हमारे इंडिया में चाय पे चर्चा बहुत होती है, कॉफ़ी पे कम होती है, तो इसलिए आज मैं आपके साथ कॉफ़ी पे चर्चा करूंगा और चर्चा करूंगा मर्फी रिचर्ड मशीन के बारे में, क्योंकि कैसे आप उसको यूज़ करेंगे पहली बार अगर आप कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मर्फी रिचर्ड, कोई भी XYZ कोई भी, प्रॉपर तरीका क्या है यूज़ करने का। कि अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो जो प्रोफेशनल कॉफी मशीन यूज करने वाले उनके वीडियो देख लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे मिल्क फ्रोथिंग करनी है ताकि जो आपका बढ़िया फ्रॉथ हो और कैसे कैपिचिनो वगैरह बनाना है। वैसे तो दोस्तों आप मुझे नीचे पहले ये कमेंट करके बताओ कि अभी तक आप जो कॉफी पीते हो वो किस तरीके से, दूध में कॉफी चीनी डाल के गैस पे उबाल कर पीते हो ना। जनरली मैं भी ऐसे ही पीता था, यकीन मानो पहले तो मुझे भी नहीं लगता था यार किस तरीके की ये लोग कॉफी पीते हैं, पहले उसमें पानी जाता है फिर स्टीम करते हैं तो बहुत सारा पानी मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा हैंड टॉवल जरूर रखना है अपने पास, जो प्रोफेशनल भी यूज करते हैं आपने देखा होगा कि जैसे ही मिल्क फ्रॉथ करने के बाद कप बाहर निकालते हैं तुरंत उस जो स्टीम की पाइप है उसको पोंछ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस पर कोई तरह का जो मिल्क फ्रॉथिंग करने के बाद जो जमा हो जाती है मिल्क वो इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि वो छूटता नहीं जल्दी, इसलिए जब भी आप स्टीम को यूज करें तुरंत उस गीले कपड़े से उसको साफ कर लें। और जब भी कॉफी मशीन को स्टार्ट करने से पहले आप अपने बॉयलर को चेक कर लीजिए कि उसमें आप पानी है कि नहीं है। एक कप जो कॉफी होती है वो 100 ml की एक कप कॉफी होती है, तो जिसका कप का जो मेजरमेंट कप है उस कप से देखा होगा आपने, लोग डालते हैं एक कप भर के डाल देते हैं या थोड़ा सा और डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी मशीन में बॉयलर में पानी खत्म हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हीट होगा, उससे आपका जो बॉयलर है उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए जब भी कॉफी मशीन का यूज करें तो उसके अंदर में पानी थोड़ा सा ज्यादा डालें। कितना डालना है अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ आई बटन में शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, बाकी अभी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा खाली रखेंगे। और दोस्तों अगर आपने फिल्टर में ज्यादा पानी भरा है तो स्टीम करोगे तो डायरेक्ट स्टीम मत खोलना, क्योंकि उसके अंदर में थोड़ा सा पानी बाहर आता है, इसलिए किसी पहले बर्तन में पानी को निकाल लेना, कुछ देर निकालना, उसके बाद फिर स्टीम आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद मिल्क को फ्रॉथ करना तो बहुत अच्छे से मिल्क फ्रॉथ होगा, ठीक है। और क्या नहीं करना है, कभी भी अगर आप कॉफी बना रहे हैं, कॉफी आपने बना ली, सारा कुछ कर लिया, मशीन को साफ कर दिया अच्छे से, बॉयलर को कभी तुरंत नहीं खोलेंगे। बॉयलर को अगर आप तुरंत खोलेंगे तो उसके अंदर में जो जमा स्टीम है अचानक से निकलेगी और हाथ आपका जल जाएगा। दूसरी चीज, मिल्क फ्रॉथ करने के बाद भी कभी भी आप उस स्टीम पाइप को नहीं छूजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा हीट होता है, जैसे अगर आप टच करेंगे वो हाथ भी जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बाकी दोस्तों अगर आप इस मशीन पे इंस्टेंट कॉफी बनाएंगे आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट होने वाला है, वो आप दूध में ही मिला के पी लो, वो ज्यादा बेस्ट है। हाँ, इसमें सिर्फ स्टीम होगी
मिल्क अच्छे से फ्रॉथ होगी। फ्रॉथ वाली कॉफी का काम बेसिकली मुझे जो लगता है कि ऊपर डिजाइन बनाना अच्छे से वो लगता होगा। बाकी अगर आपको डार्क कॉफी पीने की शौकीन है, आपको पसंद है, तो फिर ठीक है, क्योंकि लगभग एक कप कॉफी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1.5 ग्राम कॉफी जो है कि इनफ है। इंस्टेंट कॉफी है तो 1.5 ग्राम का जो कॉफी है वो एकदम इनफ है, बहुत अच्छी कॉफी बनेगी। बाकी अगर आप फिल्टर कॉफी मशीन का यूज कर रहे हैं तो इसमें आप फिल्टर कॉफी भी यूज करेंगे तो आपकी जो कॉफी है बहुत ज्यादा डार्क बनेगी ही बनेगी और उसका स्वाद जो है बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। कभी भी आप पोटा फिल्टर में अगर आप कॉफी पाउडर डाल रहे हो तो कॉफी पाउडर डालने के बाद तुरंत उसको मत लगा देना। पोटा फिल्टर में कॉफी डालने के बाद हल्का सा उसको टैप कर देना ताकि वो एकदम प्रेस करने के बाद एकदम समतल हो जाए। तो उससे क्या होता है दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि उससे क्या होता है, मैं आपको बता दूं। तो जो उससे क्या होता है, जब आप स्टीम में लगाओगे और जब स्टीम खोलोगे तो स्टीम से उस कॉफी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर निकलेगा और जो प्रेशर के साथ वो नीचे कॉफी निकलेगी तो उसके साथ क्रीम निकलेगा। आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो में डार्क क्रीमा निकलता है, लास्ट में वो कॉफी के प्रेशर से होता है। हालांकि मर्फी रिचर्ड के जो कॉफी मशीन है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, 2-3 बार का प्रेशर है, इससे ज्यादा का नहीं है उसका। आपको कैपिचुनो का अगर असली मजा लेना है तो कम से कम आपके पास 15 बार प्रेशर मशीन होनी चाहिए, तभी आप उसका भरपूर इंजॉय कर पाओगे। बाकी दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अगर आप मर्फी रिचर्ड की कॉफी मशीन खरीद रहे हो तो इसके अंदर में बहुत अच्छे से लेटे या कैपिचुनो बहुत अच्छी नहीं बनती है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और एक चीज दोस्तों, कॉफी मशीन के अंदर में 2-3 तरीके की है, एक तो है ये मर्फी रिचर्ड, उसके बाद है एक ड्रिप कॉफी मशीन। तो ड्रिप कॉफी मशीन का तो यूज बेसिकली, अगर आपको ड्रिप कॉफी मशीन खरीदना है तो उससे अच्छा जो साउथ वाले, साउथ इंडियन जो लोग कॉफी बनाते हैं जो फिल्टर आता है उनका, वही यूज कर लो, उसमें ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉफी मशीन खरीदनी है तो प्रेफर करना कि 15 बार प्रेशर वाली कॉफी मशीन खरीदें, जैसे टेक्नोरा हो गया, डिलोंगी हो गया, लगभग 9,000-10,000 रुपए से प्राइस स्टार्टिंग है। वैसे सारे कॉफी मशीन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉफी यूज कर रहे हैं। फिल्टर कॉफी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मैंने बहुत सारे कॉफी का भी यूज किया है। और सस्ते की अगर बात करूं, जितना एक आपका बढ़िया कंपनी का चाय पत्ती खरीदते हो उतने में आपको बढ़िया क्वालिटी की एक फिल्टर कॉफी मिल जाएगी, जैसे टाटा है, लेविस्टा है, टीसीएल है, और भी बहुत सारे कॉफी हैं, जयंती है, न जाने कितने ब्रांड हैं। जब आप कॉफी पीना स्टार्ट करोगे, जब आप कॉफी मशीन खरीदोगे तो हो सकता है धीरे धीरे आपको नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने भी कॉफी जब मशीन खरीदी थी, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, वैसे नहीं देखी तो यहाँ लिंक आई बटन मिल जाएगा। मैंने भी जब पहली बार कॉफी बनाया था बहुत सारे छींटे पड़ रहे थे तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, मिल्क फ्रॉथ करा था तो जो बबल्स बन के आ रहे थे बहुत बड़े बड़े बबल्स आ रहे थे, छींटे पड़ रहे थे। तो किस तरीके से आपको मिल्क फ्रॉथ करना है, मिल्क फ्रॉथ कैसे करना है, यहाँ आप वीडियो में देख लीजिएगा। जो स्टीम के टिप है उसको बहुत ज्यादा अंदर डीप नहीं करना है या बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, लगभग मिल्क के अंदर 1 इंच अंदर रखिएगा तो बहुत अच्छे से मिल्क फ्रॉथ होगी। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, मिल्क में फ्रॉथिंग के लिए आपको ठंडा दूध यूज करना चाहिए, उसमें जो फ्रॉथिंग होती है बहुत अच्छे से होती है, बहुत ही ज्यादा डार्क फ्रॉथिंग होती है उसके अंदर में। और दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप कॉफी के लिए दूध यूज करते हो जो गाढ़ा दूध होता है उसको यूज करो। फिल्टर मशीन जब आप यूज करोगे तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, पहले तो जो कॉफी निकलेगी एक कप में 100 ml चला जाएगा पानी, उसके बाद दूध डालोगे, उसके बाद जब स्टीम करोगे उसमें से भी थोड़ा पानी निकलेगा। अगर मान लो अगर आपने 100 ml मिल्क लिया है और एक कप यहाँ पे कॉफी डाल रहे हो तो लगभग 50 ml के आसपास कॉफी विथ लिक्विड डालोगे तो 150 ml हो गया। उसके बाद आप मिल्क फ्रॉथिंग करोगे तो वहां से भी थोड़ी बहुत स्टीम से पानी आएगा ही आएगा, तो पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कॉफी पीने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा गाढ़ा जो मिल्क हो उसको यूज करना, उसमें कॉफी बहुत अच्छी स्वाद आएगी। और दोस्तों कॉफी बन जाने के बाद आपको प्रेशर वाल्व जो है उसको तुरंत नहीं खोलना है, सबसे पहले पूरी स्टीम को उसको रिलीज करना है, उसके बाद प्रेशर वाल्व को खोल सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर कॉफी पीते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पानी हमेशा पहले से भर के रखो। और दोस्तों अगर आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि जब भी कॉफी मशीन के अंदर पोटा फिल्टर में कॉफी लगा के जो फिल्टर में लगाते हैं और उसको सेंटर में लाने के बाद तुरंत जो वो उसका मर्फी रिचर्ड वाली जो मशीन की बात कर रहा हूं तो कॉफी पे ले आते हैं, डार्क कॉफी पे पहला के उसके बाद चालू करते हैं कॉफी मशीन को, ऐसा मत करना।
उससे क्या होगा कि जब आप उसको बीच में ले आओगे और मशीन ऑन करोगे तो जब वो पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा उससे पहले पानी उसमें आना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कॉफी मशीन में उन्हें जब चालू कर देते हैं तो कॉफी टप टप करके पानी गिरना पहले से शुरू हो जाता है बिना हीट के, यानी कि हल्का सा पानी हीट होता है उसके बाद ही कॉफी मशीन निकलना शुरू हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मशीन स्टार्ट करके फ्रॉदिंग पे रखना, ठीक है, उसके बाद जब मशीन 2 से 3 मिनट तक वेट करना, पानी जब अच्छे से हीट हो जाएगा उसके बाद सीधे सेंटर में लाना, अगर डार्क कॉफी पीनी है तो सेंटर में ले आना, बाकी हल्की करनी है तो और भी इधर जा सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप उसको डार्क ही निकालो क्योंकि आपको उसके अंदर मिल्क मिलाना है तो आपका कॉफी जो है ना कम कंज्यूम होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सारी क्वेरीज वगैरह सब यहाँ पे हल हो गई होंगी, कैसे मशीन को यूज करना है पहली बार अगर आपने मशीन खरीद रहे हो। फिलहाल मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 15 बार प्रेशर वाली कॉफी मशीन खरीदो, वरना ड्रिप कॉफी मशीन खरीद लो, वो ज्यादा बेस्ट है, फ्रोदिंग का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों मर्फी रिचर्ड की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप चाहो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ आई बटन में आ जाएगा, देख लेना, आपकी सारी क्वेरीज जो है हल हो जाएंगी। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या सुझाव है अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ भी जानना हो इस कॉफी मशीन से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और आपका कोई सजेशन हो तो वो भी प्लीज जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।